ऊपर ये DRL इस पे भी टॉप मॉडल में आ जाता है, ठीक साथ है। में दोनों में LED लगाया गया 160 वोल्ट 160 वोल्ट। अच्छा 160 बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रोशनी रहने वाला, तो बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट लगाया गया, सुपर हिट हो गया, ठीक है। और सीट की बात करें तो ये थाई सपोर्ट उसके अंदर लगा हुआ है, अरे वाह, एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ थाई सपोर्ट का 10 साल की गारंटी है सीट कवर, ठीक है। 10 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आया ना तो चेंज करके लगा करके दूंगा सीट। आई एम वेरी हैप्पी, चलो सारे काम मेरे को देखकर अच्छा लग रहा है। जो सीट में सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को सीट कवर लग रहा है, क्योंकि मैंने सीट कवर के लिए बहुत बोला था भैया को, भैया सीट कवर मेरे को ऐसा ही चाहिए। सीट कवर बहुत अच्छा है और 360 कैमरा जो भैया ने लगाया है वो बहुत अच्छा है, सैटिस्फाइड है बहुत। आई एम वेरी हैप्पी विद द 360। आज हमारे पास वंस अगेन आई है XUV 300, और भाई ये बिल्कुल हमारा बेस मॉडल W4 फेसलिफ्ट सनरूफ वाला है, तो इसको टोटली टॉप किया जा रहा है। हेडलाइट लग चुका है भाई, DRL लग चुका है, फॉग लाइट बेजल के साथ लग चुका है। सबसे बढ़िया बात, आप लोग को यहाँ पे नॉर्मल स्टील रिम्स मिलता है तो उसको रिप्लेस करके अलॉय लगेगा। तो भाई वहाँ पे खोल रहे हैं पीछे, और इस साइड ना अलॉय लग चुका है भाई, ये देखो। तो हमारा भाई इस साइड का ना न्यू व्हील्स का पूरा हमारा अलॉय लग चुका है, जो कि आप लोग भाई ये चेकआउट कर पाओगे। तो काम काफ़ी हो रहा है, पूरी गाड़ी खुली पड़ी है, पूरा हमारा महिंद्रा जनरल पार्ट्स का सब इसमें काम हो रहा है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, तो ये देखो भाई पूरी गाड़ी अभी खुली पड़ी है। इसमें एमएन लाइट का पूरा सेटअप होना है, अभी स्टेयरिंग कवर लग चुका है, सीट कवर लगना है, इसमें आर्मरेस लग चुका है। तो एक बार कार हमारी डिटेल में रेडी हो जाए तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखा। सो गाइस, फाइनली हमारी XUV 300 टोटली मॉडिफाइड हो चुकी है, और आफ्टर मॉडिफिकेशन कुछ ये लुक्स रहने वाले हैं। राकेश जी कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है भैया, बिल्कुल अल्टीमेट लेवल के अंदर, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट, प्यारा लुक निकल गया है। सारा काम हो चुका है, A to Z भैया ने काम करवाया है, अलॉय से लेकर के पूरा एक्सटीरियर से लेकर के इंटीरियर तक में सब कुछ भैया ने चेंज करवाया, ठीक है भाई, बढ़िया चीज है। तो एक एक करके मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो राकेश सर, क्या क्या मॉडिफाइड हुआ इसमें? जैसे कि आप देख रहे हैं भैया, फ्रंट से हम दिखाने वाले हैं, फ्रंट से जैसे कि देख सकते हैं हेड लाइट पूरा चेंज हुआ है, अच्छा, ठीक है, पूरा महिंद्रा का पार्ट्स लगा है जेन्युइन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भैया आप देखेंगे ऊपर ये DRL इसमें भी टॉप मॉडल में आ जाता है, साथ में दोनों में LED लगाया गया 160 वोल्ट 160 वोल्ट। अच्छा 160 बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त रोशनी रहने वाला है, इस पे चलान भी नहीं है बिल्कुल। साथ में देखेंगे भैया जो हेड लाइट के साथ जो DRL है उसके नीचे भी आपको DRL मिल जाएगा, ये भी जेन्युइन महिंद्रा का मिलेगा, लोकल कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि टोटल जो पार्ट्स लगाया सर के गाड़ी में टोटली जेन्युइन महिंद्रा का ही पार्ट्स लगाया गया है, ठीक है। और साथ में भैया यहाँ पर नीचे आप फोग लाइट देखेंगे तो फोग लाइट में येल्लो ही रखा गया है, ठीक है। इसमें LED बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि भैया बोला था नीचे हमें येलो ही चाहिए, ठीक है, ठीक है भैया। उससे आगे चलते हैं भैया, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्यूजर लगाया गया, अच्छा ये डिफ्यूजर, ठीक है, डिफ्यूजर देखेंगे। और साथ में यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे XUV 300 का बैजिंग भी, ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त रहता है, आगे से काफी बचाव हो जाता है, जिससे थोड़ा बहुत लगता भी है तो आपके बम्पर को कुछ नहीं होता है। और ये डिफ्यूजर जो होता है ये मतलब कि बम्पर में लगने से पहले काफी कस्टमर ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि इसके चक्कर में गाय आ गई थी, नील गाय आ गई थी, तो उससे काफी बचाव, उससे काफी बचाव हो जाता है इससे ना, ये काफी मजबूत रहता है, ABS में होता है तो ये टूटता नहीं है, मतलब कि बहुत ही तेज लगता है तभी टूटता, वैसे नॉर्मली में नहीं टूटता। एक ग्रिल का भी ऑप्शन है बिल्कुल, यहाँ पे आप टॉप मॉडल वाला ग्रिल भी लगवा सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, नीचे वाला भी ग्रिल लगवा सकते हैं भैया, दोनों आपको मेरे पास मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रंट प्रोफाइल हो गई हमारी गाड़ी की गाइस, ये कुछ साइड प्रोफाइल है हमारी गाड़ी का, ये देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में, साइड प्रोफाइल में आप देखिए भैया यहाँ पे अलॉय लगाया गया, ये अलॉय है, ये थोड़ा अलग डिजाइन है राकेश जी, भी अलग डिजाइन है, आप देख सकते हैं ये भी डायमंड कट के अंदर ही है, देख सकते हैं डायमंड कट के अंदर। यहाँ पे कैलिवर देखेंगे, इसको रेड कर दिया है, और जो लाइनिंग जा रहा है ये भी रेड है, मतलब ये आफ्टर मार्केट में लेकिन लग रहा पूरा ओरिजिनल बिल्कुल, ये नियो का है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बैजिंग जो है और जो महिंद्रा का न्यू बैजिंग लगा दिया है बिल्कुल, यहाँ पे ओरिजिनल वाला लगाया गया जो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पे आप देखेंगे ORVM लगाया गया है विद 360 कैमरा, अच्छा 360 डिग्री का कैमरा, फ्रंट में भी लगाया, फ्रंट में हमने नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन फ्रंट में आप दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे 360 कैमरा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लगा भाई, ठीक है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ORVM चेंज किया गया है, उसके बाद ओरिजिनल स्विच डाला गया है, ओरिजिनल वायरिंग भी डाला गया है महिंद्रा का, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर होता है, तो उसको हटा के हमने बेल्ट लगा दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल परफेक्ट है, ओरिजिनल है, कुछ भी लोकल नहीं है, महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स है। ठीक है, तो जैसे कि मैं अब की निकालता हूँ ये, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे महिंद्रा का हमने इसके अंदर ओरिजिनल जो W6 वाला आता है, इसमें बैजिंग भी आपको मिल जाएगा महिंद्रा का। ये दो बना करके हमने सर को दिया है। अच्छा, दो दिया हम लोगों ने। ये दो आपको चार ही मिलता है, आप दो बनवाइए, आप चाहे एक बनवाइए, दोनों आपको मिल जाए। दो बनवाते हो तो दो मिल जाएगा, एक बनवाते हो तो एक आपको मिल जाएगा न्यू लोगो के साथ। चलो ठीक है भैया, बढ़िया चीज है। अब जैसे ये मिरर लगाया है, तब इसको लॉक करता हूँ और अनलॉक करता हूँ, तो लॉक करूंगा तो फोल्ड हो जाएगा, जैसे कि आप देखेंगे ये फोल्ड हो गया। ठीक है, और अनलॉक करूंगा गाड़ी को तो अनफोल्ड हो जाएगा भैया। देखो भाई, अरे वाह, मजेदार चीज, बिल्कुल परफेक्ट है। और स्विच इसका ओरिजिनल रहने वाला, लोकल कुछ भी रहने वाला। ठीक है, वो तो हम इंटीरियर में जाएंगे तो हम दिखाएंगे ही आपको। काम करवाइए तो बिल्कुल जेन्युइन करवाइए, और जेन्युइन करके दूंगा, ये राकेश तिवारी का वादा है। और बिल्कुल परफेक्ट जो दिखाऊंगा वही काम करूंगा। ये बेहतरीन चीज, वो तो भैया जो गाड़ी लेकर के आए उसके सामने हम हर एक चीज खोल के लगाए, तो भैया से जब रिव्यू लगे तो भैया तो बताएंगे ही। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भैया देखेंगे यहाँ पे डोर वाइजर लगाया गया है, वो भी सीएन लिंक का रहने वाला है। इसमें जो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम लाइनिंग जो जा रहा है भैया, वो बिल्कुल इसमें रस्ट जंग वगैरह नहीं लगे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। उसके आगे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लोअर गार्निश 6x4 पीसेस में इसमें आता है, 4 पीसेस में लगाया गया है, नहीं 6 पीसेस में यहाँ आगे भी आता है। अच्छा, ये रहा, तो 6 पीसेस में आता है, तो 6 पीसेस में इसमें लगाया गया है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड स्टील का रहने वाला है, इसमें भी रस्ट जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट है भैया। चलो भाई, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे तो भैया बिल्कुल यहाँ पे क्रोम वाले साइड बीडिंग भैया मांगे थे, तो यहाँ पे साइड बीडिंग क्रोम वाला हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लगाया है भैया, इसके अंदर भी रस्ट जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा। चलो भाई, बेहतरीन। ठीक है भैया, वही पीछे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे तो एक हमारा हो गया शार्क फिन। यहाँ पे भैया देखेंगे सार कंटेनर ईआर का हमने इसके अंदर लगाया है। ठीक है, जैसे गाड़ी का कलर एवरेस्ट व्हाइट है ना भैया, उसी तरीका से ये भी एवरेस्ट व्हाइट कलर है। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल इसका जो फिनिशिंग जैसे अभी है ना, वैसे ही फिनिशिंग रहने वाला है। इसका फिनिशिंग वगैरह डल नहीं होगा, ये बेहतरीन। ठीक है, उसके बाद भैया आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉइलर लगाया गया है, जो डाइजेक्स का रहने वाला, लोकल नहीं है, डाइजेक्स कंपनी का रहने वाला है। ठीक है, जैसे गाड़ी का कलर जो होता है, जो चमक होता है कलर में, वही सेम टू सेम कलर इसमें भी होता है, चमक इसके अंदर भी, बेहतरीन चीज। ठीक है, और पीछे जैसे आ गए हैं भैया, तो ये स्पॉइलर है, स्पॉइलर लाइट वाला है, इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ के नीचे भी लाइट जलता है इसमें, ठीक है, और ऊपर भी जलता है, डबल ऑप्शन है, जैसे स्पॉइलर हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब नीचे वाला नीचे ही होता है, तो वहां पर हम टेप लगा देते हैं, लेकिन दोनों ठीक लगता है जलते हुए। उसके बाद भी आप देखेंगे टेल लाइट ये जो बाहर वाला जो होता है ना, जो बॉडी के साथ फिट होता है, ये तो कंपनी से आता है। ठीक है, W4 के अंदर। ठीक है, और जो ये डिक्की के साथ लगा होता है, ये वाला पीस मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पीस। ठीक है, ये वाला पीस कंपनी W4 में नहीं देती है, लगा ये हमें चेंज करना, तो ये हमने चेंज कर दिया है, बिल्कुल डब्बा पैक खोल करके। ठीक है, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, बिल्कुल महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स, ये हमने चेंज कर दिया है पूरा, और परफेक्ट कपलर टू कपलर लगता है भैया, इसमें कोई वायरिंग नहीं करता। कपलर हटाइए और जो पुराना जो डम्मी लगा होता है उसको हटा करके ये लगाइए, कपलर लगा दीजिए और नट टाइट कर दीजिए, हो गया, और कुछ तार में छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं। चलो भाई, बेहतरीन। ठीक है, परफेक्ट लगाया गया है। उसके बाद भी हम यहाँ पर नीचे देखेंगे तो रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगाया गया, मैट्रिक्स है ये, आपको देखो इंडिकेटर पे भी जल जाएगा, ये देखिए, ये देखो भाई। ठीक है, इंडिकेटर पे भी जल जाएगा, पार्किंग पे भी जल जाएगा, और ब्रेक पे भी जल जाएगा, तीनों ऑप्शन है इसके साथ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भैया पीछे जो लगाया गया डिफ्यूजर लगा, ये हमारा रियर का डिफ्यूजर, जैसे फ्रंट का आपको दिखाया वैसे रियर में डिफ्यूजर लगाया गया है। ठीक है, अगर 360 की बात करें भैया, तो 360 यहाँ पे देखिए, नंबर प्लेट के ऊपर 360 यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल क्लैरिटी की बात करें तो जबरदस्त क्लैरिटी इसके अंदर रहने वाला है, बिल्कुल परफेक्ट। चलो भाई, ठीक है, तो यही काम किया गया भैया इंटीरियर एक्सटीरियर के अंदर, और हर एक चीज आपको जो दिखाया है वो जेन्युइन पार्ट्स दिखाया महिंद्रा का। तो आप लोग भी काम करवाइए, मेरे पास आइए, मेरे दुकान कार कस्टम अल्टीमेट के नाम से है, और आइए काम करवाइए, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, ये बढ़िया काम भी मिलेगा, और महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स भी मिलेगा। चलो भाई, बढ़िया चीज है गाइस, तो सीधा मैं आप लोग का भी इंटीरियर चेकआउट करा। सो गाइस, ये हमारी XUV 300 कुछ इंटीरियर रहने वाला है, और इसको भी टोटली चेंज कर दिया गया। यहाँ पे भाई आप लोग देख पाओगे डोर ट्रिम आर्मरेस्ट हमारा महिंद्रा जेन्युइन, यहाँ पे जो W8 में लाइट आती है हमारी गेट के अंदर, वो लाइट लगा दी गई है। K3 वेलकम लाइट, सीट कवर आगे से फुल्ली लोडेड है, बिल्कुल आप देख सकते हैं भैया,
सीट कवर देख सकते हैं भैया के पसंदीदा, मतलब भैया जैसे बोला था उसी हिसाब से सीट कवर इसके अंदर लगाया गया है। ठीक है। और बिल्कुल देख सकते हैं साइड में देख सकते हैं पंचिंग हो गया, बीच में हो गया पंचिंग, और बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक और पीछे ब्लैक। अरे वाह, तो बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट लगाया गया, सुपर हिट हो गया। ठीक है। और सीट की बात करें तो ये थाई सपोर्ट उसके अंदर लगा हुआ है। अरे वाह, एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ थाई सपोर्ट का 10 साल की गारंटी है सीट कवर। ठीक है। 10 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आया ना तो चेंज करके लगा करके दूंगा सीट कवर। अरे वो। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट लगाया गया है। साथ में भैया आप देखिए सेम टू सेम जैसे सीट कवर लगाया ना, सेम टू सेम आमरेस इसमें लगाया। ठीक है, आमरेस लगाया गया। ये देखिए, ये देखो महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स लगाया गया है, कुछ भी इसके अंदर लोकल नहीं लगाया। ठीक है, जो भी लगाया ना सब ओरिजिनल लगाया इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो 5D मैट है भैया, 5D मैट लगाया गया है, और उसके नीचे क्रोकोडाइल फ्लोरिंग हमारा भाई, ये देखो क्रोकोडाइल फ्लोरिंग लगाया गया है जो बिल्कुल खाचा टू खाचा बैठ जाता है। अरे वाह। ठीक है, अगर डोर पे आए भैया तो यहाँ पे आपने बता दिया है एम्बियंस लाइट है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाथ रखने वाला डोर आमरेस्ट होता है ना, ये भी इसमें लगाया है, मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए काफी कम्फर्टेबल। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट है। और यहाँ पे हजार लाइट लगा दिया गया है, वेलकम लाइट लगा दिया गया है। ठीक है ना, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और साथ में जो इसके डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हमारा K3 स्पीकर की बात करें भैया, स्पीकर की बात करें तो स्पीकर में हमने इसके अंदर जो लगाया है एवाटार का आगे कॉम्पोनेंट पीछे कोएक्सियल लगाया है। ठीक है, ठीक है। और बिल्कुल जैसे गाड़ी में मैं बैठ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टीयरिंग भी मून डिजाइन लगाया गया है, और यहाँ पे स्टीयरिंग मोड कंट्रोल महिंद्रा का। ये देखो लाइट पे भी ये लाइट ऑन हो जाएगा, लाइट देखिए बिल्कुल लाइट जलेगा। ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट फिट और सुपर हिट लगाया गया है। साथ में यहाँ पे जो सेट लगाया भैया 360 लगा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन आता है 360। ये देखो भाई हमारा पूरा 360 वाला, ये देखो मजेदार चीज हो गई है। 3D व्यू फ्रंट, ये हमारा बैक, ये लेफ्ट, ये राइट, दोनों गेट खुले हुए हैं, ये दोनों तरफ का इंडिकेटर वाला, ये पूरा फ्रंट, ये पूरा बैक, मजेदार, बिल्कुल परफेक्ट है भैया, परफेक्ट तरीका से लगाया गया है हर एक चीज जो है। और क्लियरिटी देखिए आप, भैया कह रहे थे क्लियरिटी कैसा मिलेगा, तो मैं बोला आप बेफिक्र रहिए, क्लियरिटी आपको जबरदस्त मिलेगा। अभी देख सकते हैं जो अभी टाइम हो रहा है भैया, अभी 11:05 लेट है, तो अभी आप देख सकते हैं 11:05 लेट है, तो रात के 11 बज रहे हैं, तो क्लियरिटी देखिए जैसे दिन की तरह लग रहा है। बिल्कुल पूरा नाइट विजन है, बिल्कुल नाइट विजन है, HD के अंदर है भैया, 1080 पिक्सल कैमरा है। अरे वाह, जबरदस्त रहने वाला है, क्लियरिटी जबरदस्त रहने वाला है और परफेक्ट है। इसका 1 साल की कैमरे की फुल गारंटी होती है भैया, और एंड्रॉइड के अंदर कोई दिक्कत आता है तो आपको 2 साल की मैं गारंटी देता हूँ, 2 साल में कोई दिक्कत आएगा तो आपको चेंज करके मैं दूंगा। तो राकेश भाई नई वाली X3 XO के लिए तैयार हो? बिल्कुल, नई वाली जो XO आ रही है ना, X3 300, उसका तो मैं धमाल मचाने वाला हूँ। अरे स्पेशल जो कह रहा हूँ, स्पेशल बुक करने वाले, बिल्कुल नहीं बुक, नहीं बुक तो आपके लिए करेंगे, स्पेशल डिस्काउंट लेके आऊंगा, जो भी भैया गाड़ी लेकर के आएंगे ना स्पेशल डिस्काउंट, और बिल्कुल धमाका कर देंगे बिल्कुल। अरे तो आप लोग गाड़ी लेकर के आइए और बिल्कुल जेन्युइन महिंद्रा में काम करवाइए, महिंद्रा पार्ट्स में, और बिल्कुल बढ़िया डिस्काउंट लीजिए। जो नई गाड़ी आ रही है ना एक्सपो, लेकर के आइए और उसको बिल्कुल बुलबुल का बच्चा दुल्हन बना, मतलब बेस लेके आइए, टॉप लेके, बेस लेके आइए और टॉप बना करके दूंगा, एक भी सामान नहीं छोड़ूंगा, टोटल का टोटल लगा दूंगा। चलो भाई बेहतरीन जगह है, सीधा भैया और का रिव्यू लेते हैं। सो गाइस, ये भैया की XUV 300 थी, तो भैया से जानते हो उन्हें आज मॉडिफिकेशन कैसी लगी, तो भैया आपका नाम, कैसी लगी मॉडिफिकेशन? मैं भावेश भास्कर, मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। ठीक है। राकेश भैया की वीडियो मैं बहुत टाइम से देख रहा था, मेरे एक फ्रेंड है, उसने लास्ट ईयर मॉडिफाई यहीं से कराई थी, उसने मुझे सजेस्ट किया। ठीक है। प्लस मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो भी देखी थी, उसमें फिर मैं आया भी था इनके पास एक बार पहले, फिर मैं इनसे बातें की, फिर हमें अच्छा लगा। जो फ्रेंड यहाँ से मॉडिफाई करा के गया था उसकी गाड़ी बहुत अच्छी लगी मेरे को देखकर, तो उसके लिए मैं आया था। आज जो हमारा काम हुआ है ये सब ठीक काम हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी। चलो, सारे काम मेरे को देखकर अच्छा लग रहा है। जो सीट में सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को सीट कवर लग रहा है, क्योंकि मैंने सीट कवर के लिए बहुत बोला था भैया को, भैया सीट कवर मेरे को ऐसा ही चाहिए, सीट कवर बहुत अच्छा है, और 360 कैमरा जो भैया ने लगाया है वो बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइड है, बहुत, आई एम वेरी हैप्पी विद द 360। चलो, रिकमेंडेड है हमारे और भाई आ सकते हैं। 100%। चलो, थैंक यू सो मच भैया। तो मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा भावेश भैया के लिए, तो भैया जब स्टार्टिंग में आए थे तो कंफ्यूज थे, जो मैं सजेशन दिया था भैया ये वाला सेट लगवाइए तो क्लैरिटी जबरदस्त मिलेगा, भावेश भैया जैसे लगा करके दिया और जो क्लैरिटी है तो उसके लिए आप खुश है? बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मेरे को सीट कवर और 360 से मैं बहुत खुश हूं।
ठीक है, जो जो काम करके भैया दिया परफेक्ट है। और आपके आपके सामने महिंद्रा का आपका अच्छा है, मैंने तो पहले भी आपको मैसेज किया था कि आपसे मेरी बात हुई है, मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, काम आपके अच्छे थे तभी तो आए हो। और जो भी सामान लगाया जेन्युइन पार्ट्स था महिंद्रा का, आपने बॉक्स ओपन करके लगाया, इसमें कोई भी आफ्टर मार्केट तो नहीं लगाया? नहीं कुछ भी नहीं, जो जो आपने बोला था ओरिजिनल महिंद्रा, तो ओरिजिनल महिंद्रा मैंने नहीं लगवाया, सारे महिंद्रा के ही पार्ट्स लगवाए हैं और भैया ने महिंद्रा का पार्ट्स बॉक्स ओपन करके लगाया। चलो भाई, सेटिस्फाइड है पूरा पूरा, सर का चेहरा ही बता रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो थैंक यू सो मच। सो गाइस आप लोग भी प्लान करो 100 मॉडिफिकेशन का, डू कॉन्टैक्ट कार कस्टम अल्टीमेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।